200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री नोरा फतेही से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई, जिसमें उन्होंने इस बात को कबूल किया कि उनके जीजा बॉबी को सुकेश ने 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट की थी। इस दौरान नोरा फतेही से जीजा बॉबी और पिंकी ईरानी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, जिसमें सुकेश से व्हाट्सएप चैट के बारे में सवाल पूछे गए, जिसे लेकर नोरा फतेही ने कहा कि वो सुकेश से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करती थी, लेकिन उसे कभी नहीं मिली, न ही पिंकी ईरानी से कभी उनकी मुलाकात हुई। नोरा फतेही ने ये भी बताया कि साल 2020 में चेन्नई के एक होटल में इवेंट हुआ था, जहां सुकेश की पत्नी से नोरा की मुलाकात हुई थी। उस वक्त सुकेश की पत्नी ने नोरा को एक महंगा बैग और आईफोन गिफ्ट किया था और BMW कार ऑफर की थी, लेकिन नोरा ने BMW कार लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये कार नोरा के जीजा बॉबी को किसी काम के बदले टोकन मनी के तौर पर मिली थी। दावा ये भी है कि सुकेश व्हाट्सएप के जरिए नोरा से नजदीकी बढ़ा रहे थे और उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब बार बार फोन करने पर नोरा को उसकी नीयत ठीक नहीं लगी तो उसने सुकेश से सारे संबंध तोड़ दिए। नोरा ने एक बार गिफ्ट ली और जैसे ही उसको लगा कि ये कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा शक हुआ तो उसने संपर्क तोड़ दिया। नोरा की किनारा करने के बाद सुकेश ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पर डोरे डालने शुरू किए थे। तो खबर है कि 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में EOW 4 अन्य अभिनेत्रियों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिन्होंने सुकेश से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। और इसी बीच EOW में 2 दिन की पूछताछ में ये पता चला कि सुकेश ने सबसे पहले नोरा फतेही को फंदे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब नोरा से बात नहीं बनी तो जैकलीन के करीब जाने की कोशिश करने लगा और सुकेश इसके लिए जैकलीन के आसपास के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता था। जैकलीन के हेयर स्टाइलिस्ट को महंगे गिफ्ट दिए गए और उसके बर्थडे पार्टी के लिए कोची में होटल बुक कराने का ऑफर दिया था। दावा यह भी है कि जैकलीन अपने दोस्तों को सुकेश के बारे में बताती थी कि मुझे मेरा मैन ऑफ माय ड्रीम्स मिल गया है। यही नहीं, जैकलीन को सुकेश के अपराध की जानकारी थी, लेकिन वो इसके बाद भी सुकेश से महंगे गिफ्ट लिया करती थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को नोरा फतेही से कई अहम जानकारियां मिली। पुलिस के मुताबिक नोरा ने बताया कि उसने सुकेश से इसीलिए संपर्क तोड़ दिया क्योंकि वो जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। नोरा के साथ हमने महबूब, उनके ब्रदर इन लॉ, और पिंकी रानी, जिसने इंट्रोड्यूस किया था और जिसने गाड़ी सुकेश से लेके और इन तक पहुंचाई थी महबूब तक, उन तीनों को बुलाया था और तीनों की स्टेटमेंट लेने के बाद हम संतुष्ट हैं कि जो बातें हम इन्वेस्टिगेशन में आ रही थी वो कोरोबरेट हो रही है और जो 65 लाख की BMW कार गिफ्ट की गई थी सुकेश के द्वारा वो महबूब तक थी। आगे महबूब ने उसको भेज दिया, वो सब चीज़ें ED के संज्ञान में और ED की इन्वेस्टिगेशन में जारी। जैकलीन और नोरा, अगर दोनों अभिनेत्रियों की बात करें तो आप अब तक की पूछताछ में क्या ये साफ हो पाया है कि ये सुकेश चंद्रशेखर को पहले जानती थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, काली कमाई का पैसा है, ऐसा ये लोग जानते थे क्या? देखो, ये लोग तो मना ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। नोरा ने एक बार गिफ्ट ली और जैसे ही उसको लगा कि ये कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और उसको थोड़ा शक हुआ तो उसने संपर्क तोड़ दिया। दूसरे केस में गिफ्ट भी लंबे समय तक चलती रही, संपर्क भी लंबे समय तक चलता रहा, बीच में उसको आगाह भी किया गया, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है। अब दोनों के इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा वो आगे हम देखते हैं, उसी आधार पे हम आगे इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में पेश करें। जो 65 लाख की कार है वो उनके रिश्तेदार के पास अभी भी थी। नोरा का जो कहना है वो ये कहती है कि मैंने इसलिए संपर्क तोड़ा कि वो मेरे से ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर। अब वो ये नहीं कह रही कि मेरे को उस समय पता चल गया था ये गड़बड़ है या कुछ है, जो उसका कहना है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा